आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। डॉक्टर अजय निषाद आपको याद होगा, भाजपा के पूर्व सांसद थे मुजफ्फरपुर से, लेकिन भाजपा ने इस बार उनका टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद जब उनको लगा कि उनका टिकट कट गया है, तो वो आपको याद होगा अंतिम दिन मिलने आए थे सम्राट चौधरी से। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, आँखों में उनके आंसू थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक तरीके से कहा जाता है कि भाजपा को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उनको मुजफ्फरपुर से टिकट आज दे दिया है, और क्या कुछ कह रहे हैं टिकट मिलने पे सुन लीजिए आप। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, माननीय डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश जी, सभी का आभार है कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं बीजेपी के टिकट से। मुजफ्फरपुर में मेरे पिताजी 4 बार सांसद रहे हैं, मैं 2 बार सांसद रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे विश्वास। कितना चुनौती होगा इस बार, क्योंकि सामने में आपके बीजेपी के ही प्रत्याशी सामने। बचपन में पढ़ा था कि एकता में बल है, तो हमारे साथ जो पार्टियाँ हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी है, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी भी है, सुप्रीमो है, वामपंथी दल है, सभी चट्टानी एकते के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार 400 पार जो है और बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो जनता तय करेगी ना, कोई नेता के कहने से, नेता के कहने से कुछ नहीं होगा। जनादेश जनता तय करती है और वक्त आने पर बिहार की जनता जवाब देगी। अब क्या अजय निषाद के कांग्रेस में लड़ने से जो भाजपा का वहां वोट बैंक था, वो कितना उसको ढहा पाएंगे, कितना ध्वस्त कर पाएंगे, कांग्रेस में उस वोट बैंक को ला पाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।